से बातचीत करते हैं और कॉर्पोरेट स्क्रीन में आज हम बात करेंगे सकुमा एक्सपोर्ट के मैनेजमेंट से। कंपनी कमोडिटी के ट्रेडिंग में कामकाज करती है और बहुत सारे जो ग्रेन्स और एग्री कमोडिटीज़ हैं, खास तौर पर देश विदेश में इनका कामकाज फैला हुआ है। कंपनी ने हाल ही में काफ़ी फंड भी रेज किया है और इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं। किस तरह का आउटलुक है बिज़नेस का, इस सब पे बातचीत करेंगे कंपनी के CMD सौरभ मल्होत्रा से। सौरभ जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। सर आप बताइए कैसा चल रहा है कामकाज, चूँकि आपका तो बहुत ही स्पेसिफिक कामकाज है और अभी आपने हाल फिलहाल में फ़ंड भी रेज किया है, तो क्या प्लान है कुछ बताइए। तो एक्चुअली हम लोग जो हैं इंडिया में एक लीडिंग शुगर के एक्सपोर्टर हैं और लोकल ट्रेडिंग, डोमेस्टिक ट्रेडिंग में हमारा बहुत बड़ा काम है। तो डोमेस्टिक साइड पे जो है, हम लोग जो डेफिसिट रीजन्स हैं इंडिया की, जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, ये शुगर डेफिसिट रीजन है। यहाँ पे हम सप्लाई करते हैं फ्रॉम शुगर सरप्लस रीजन, जैसे कि महाराष्ट्र है, नॉर्दर्न कर्नाटक है, तो यहाँ से हम चीनी जो है रेको में सप्लाई करते हैं ये शुगर डेफिसिट रीजन में। फिर इसके अलावा हम जो है मक्के में, कॉर्न में काफ़ी काम करते हैं। हम एग्रीगेटर हैं लीडिंग, तो हमारे पास जो मक्के की जो ग्रोइंग और यूटिलाइजेशन जोन है वहाँ पे हमारी डेपोज हैं, तो B2B हम लोग काफ़ी बिजनेस करते हैं। वहाँ की जो मल्टीपल ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज हैं उनको हम सप्लाई करते हैं। इसके अलावा मतलब हम लोग इंडिया में पल्सेस काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। पल्सेस सब इंपोर्ट करके हम प्राइवेट बेचते हैं, हम NAFED को, NCCF को, सरकारी कंपनियों को भी सप्लाई करते हैं। ये पल्सेस मोस्टली कनाडा साइड से हम इंपोर्ट करते हैं। कनाडा में हमारे खुद के ऑफिस भी हैं, वहाँ से भी हम लेते हैं, और हम लोग जो है जो इंटरनेशनल ट्रेड है वहाँ से भी हम प्रिक्योर करते हैं। ओके सौरभ जी, ये बताया अभी आपने शुगर का जिक्र किया, एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस भी बहुत नीचे आ गए हैं, $18-19 के आसपास प्राइस चल रहे हैं। कैसा है स्थिति एक्सपोर्ट की? हालांकि बहुत सारे ट्रेडर्स मांग कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट खोला जाए, तो खोलने से क्या फ़ायदा होगा? इस साल की जो प्रिडिक्शन है मानसून की, इट इज मीडियम टू बेटर। तो उम्मीद तो यही है कि इस साल 2 से 3 मिलियन टन की, डिपेंडिंग ऑन मानसून, मतलब जो है सरकार कॉल लेगी से 2 से 3 महीने में, बट लग तो ऐसा रहा है कि काफी पॉजिटिव है, मानसून ठीक लग रहा है, तो इस साल इंडिया से 2 से 3 मिलियन का एक्सपोर्ट खुलना चाहिए। तो उससे एडवांटेज ये होगी, जो हमारा मेन लाइन ऑफ बिजनेस रहा है 20 साल से, जो शुगर एक्सपोर्ट है, तो उसमें कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होएगा। हम लोग इंडिया से जो है चीनी एक्सपोर्ट करते हैं टू वेरियस जो है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, प्लस जो इंटरनेशनल रिफाइनरीज है बांग्लादेश में और गल्फ में, उनको सप्लाई करते हैं। हम इंडियन रिफाइनरीज को भी, जो श्री रेणुका शुगर है, EID पैरी है, इनको भी हम जो है काफ़ी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक्चुअली हमारा डोमेस्टिक से इंडिया से एक्सपोर्ट कभी कम भी होता है, तो हमारे जो इंटरनेशनल सब्सिडीज हैं वो ब्राज़ील से और इंडियन रिफाइनरी से और दूसरी वर्ल्ड की रिफाइनरी से लेके भी हम काफ़ी सप्लाई करते हैं, तो इंटरनेशनली हम काफ़ी इसको सप्लाई करते रहते हैं। जी, इंडिया का जो प्राइसिंग है शुगर का और जो इंटरनेशनल है, उसको कंपेयर करके ये कहा जा सकता है कि अभी भी एक्सपोर्ट में फ़ायदा है काफ़ी? एक्सपोर्ट में इंडिया को काफ़ी नफा होएगा, आज की मार्केट के हिसाब से भी काफ़ी बेनिफिट है, बट स्टॉक पोजीशन को देखते हुए सरकार उस पर जो है डिसीजन लेती है। तो इस साल जरूर लग रहा है जो मानसून के बाद सरकार पॉजिटिव कॉल लेगी, और मेरा ऐसा खुद का अनुमान है कि 2 से 3 मिलियन टन खुलना चाहिए। उससे 3 मिलियन टन खुलना चाहिए। अच्छा, अभी आपको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, और क्या हुआ? हाँ ऐसे जी, और रिपीट ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है? तो हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट को कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहते हैं। तो इस महीने हमने जैसे कभी करीब करीब 25 रेकों का काम किया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस प्रकार से हम कंटिन्यू होएगा। तो 20 से 25 रेक महीने के, मतलब करीबन 50 से 70 हजार टन, तो उसको अगर आप कन्वर्ट करें रुपीज में, तो करीबन करीबन यू कैन से कि 250 से 300 करोड़ महीने का हमें वहां से बिजनेस मिलेगी, काफी काफी उम्मीद है। ओके, तो अभी आप पूरी तरीके से रॉ कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग में ही हैं, प्रोसेस में नहीं है ना? नहीं जी, प्रोसेस में हम नहीं है, कोई हम लोग इरादा बल्क है? रॉ कमोडिटीज, हाँ जी, कोई नहीं, बल्क हम लोग सॉफ्ट कमोडिटीज की ट्रेडिंग में जाएंगे, प्रोसेस में अच्छा, नहीं है जी। ऐसा अपना प्राइवेट लेवल बनाना या ऐसा ऐसा कोई प्लान नहीं है आपका? नहीं जी, नहीं,
तो ये हमारा क्या है, हमारा फोकस जो है बिजनेस का बल्क में है, तो मतलब हमारी नॉर्मल डील साइज जो होती है वो 10 करोड़ 20 करोड़ से शुरू होते हैं, 150 करोड़ का एक ट्रांजेक्शन होता है। तो हमारा फोकस एरिया जो है बल्क बिजनेस में है, और प्रोसेस फूड जो है रिलेटिवली बहुत फोकस्ड एरिया है, तो उसमें हमारी अभी एज ऑफ कोई डाइवर्सिफाई करने की या ग्रोथ के और कोई ट्रिगर्स देखने की ऐसी कोई अभी प्लान्स नहीं है। तो प्लान ग्रोथ के काफी हैं। हमने अभी हमारी कंपनी ने इंटरनेशनली एक सब्सिडियरी खोली है यूके में, उसमें हमने 10 मिलियन इन्वेस्ट किया है, और वहां से हम जो है पूरा इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस हैंडल करने वाले हैं। वहां से हमने इंटरनेशनल शुगर ट्रेड शुरू की है, हमने वहां से पल्सेस का इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किया है, मतलब जो इंडिया सेंट्रिक नहीं रहेगा, जो ग्लोबली खरीद के ग्लोबली बेचा रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कभी इंडिया में बिकॉज ऑफ मानसून या बिकॉज ऑफ अदर रीजन कभी प्रोडक्शन कम हुआ या यहाँ से एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं हुआ, तो कंपनी को ऐसा सच फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग दूसरे ओरिजिन का काम करते रहेंगे। सिमिलरली वहां से हम एडिबल ऑयल का बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जो अगेन इंडिया सेंट्रिक नहीं है। तो जैसे आज इंडिया में एग्री का बहुत एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम है, वैसे ही इंटरनेशनली दूसरी मार्केट्स में दूसरी कंट्रीज में भी बहुत बड़ा काम। तो इसको प्रमोट करने के लिए हमने ये सब्सिडियरी लंदन में शुरू किया है, और वहां से जो एक इंटरनेशनल ट्रेड के साथ बहुत बड़ा बिजनेस स्थापित कर रहे हैं। ओके सौरभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये हमें अपडेट देने के लिए कि क्या क्या स्थिति कमोडिटीज में बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस लौट के आते हैं।